Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 released एक हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है The Stranger in Our Bed. कहानी की शुरुआत होती है एक शार्लेट नाम के लेडी के साथ जो अपने अमीर पति के साथ एक आलीशान घर में रहती है. उसका पति टॉम काफी केयरिंग है, उससे बहुत प्यार करता है, मगर फिर भी न जाने क्यों शार्लेट के चेहरे पर हम कोई खुशी देख नहीं पाती. टॉम के नज़दीक आने से उसे जैसे सफोकेशन फील होने लगता है. क्लियरली उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था. दूसरी तरफ टॉम अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इस उलझे हुए रिश्ते को सुलझाने की. वो शार्लेट से कहता भी है कि उन्हें बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए, मगर शार्लेट राजी नहीं होती. उसे और इस रिश्ते में रहना ही नहीं था. वो अगले दिन ही घर से निकल जाने की बात करती है. उसे ना टॉम में कोई इंटरेस्ट है ना उसके पैसों में. ऑब्वियसली टॉम ये सब सुन के भड़क जाता है, तोड़फोड़ भी करता है, मगर शार्लेट को फोर्स नहीं करता. शायद उसे लगा था वो सीरियसली ऐसा कुछ नहीं करेगी, मगर ऐसा नहीं होता. सुबह होते ही शार्लेट अपना सारा सामान पैक करके रास्ते पर जाके किसी के लिए इंतजार करने लगती है, किसी इवान नाम के बंदे के लिए जो उसका बॉयफ्रेंड है. पिछले कुछ महीनों से उनका अफेयर चल रहा है. फाइनली आज जाके दोनों एक साथ रह पाएंगे. बहुत खुश दिखाई दे रही थी शार्लेट, बिल्कुल किसी आजाद पंछी की तरह खुले हवा में सांस ले रही थी. मगर जब बहुत बार कॉल करके भी इवान का कोई रिप्लाई नहीं आता, तब वो थोड़ा सा टेंस्ड होने लगती. खुद ही इवान के घर चली जाती है उससे मिलने, ये जानने उसे आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है. मगर वहाँ दरवाजा खोलती है कोई और लेडी जो इवान को जानती तक नहीं, ना उस घर में उसके अलावा और कोई रहता है. टेंशन में शार्लेट ब्लैंक हो चुकी थी. उसे समझ नहीं आता अब वो क्या करेगी. जिस पर भरोसा करके उसने घर से निकला था उसने तो धोखा दे दिया. अचानक उसे फील होता है कोई उस पर नजर रख रहा है, एक आदमी जिसे शायद उसने पहले भी कहीं देखा है. मगर ठीक से कुछ समझने से पहले ही वो आदमी गायब हो जाता है. उधर तब तक टॉम की गाड़ी आ चुकी थी. उसके मॉम के फ्रेंड ने शार्लेट को रास्ते पर ऐसे खड़े देखकर उसे इन्फॉर्म किया था, तो वो आ गया अपने बीवी को घर वापस ले जाने. शार्लेट घर लौट जाती है उसी जिंदगी में उसी इंसान के पास ना चाहते हुए भी. टॉम गुस्सा तो था, मगर शायद उसे पता था शार्लेट ने ऐसा क्यों किया. उसके इस डिसीजन के पीछे वो भी इक्वली गिल्टी था. उसे पता है वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि शार्लेट को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता, वो लोनली फील करती है. टॉम प्रॉमिस करता है आगे से ऐसा नहीं होगा, सब ठीक कर देगा वो. लेकिन शार्लेट के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था. वो बिट्रेट फील कर रही थी, उसका मन नहीं मान रहा था. उसे बार बार इवान की बातें याद आने लगती है. हर तरफ हर चेहरे पर बस वो ही दिख रहा था, इससे वो कैसे निकले. वो जाती है अपने मदर इन लॉ इसाडोरा से मिलने. उनके बातों से हम समझ पाते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है, अनकंट्रोलिंग भी. शार्लेट को बहुत बुरी तरीके से टॉन्ट करती है वो. उसे याद दिलाती है उनके सिवा उसका और कोई परिवार नहीं. बातों बातों में शार्लेट की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो घर वापस जाने लगती है. तभी उसे रास्ते पर फिर से वही आदमी दिखता है उसके फोटोज निकालते हुए. शार्लेट को ये बात ठीक नहीं लगती. वो जाके अपने पति को बता देती है, मगर टॉम उस पर यकीन ही नहीं करता. उसे कोई फॉलो क्यों करेगा. इन सब फालतू के बातों को छोड़कर उन्हें उनके रिश्ते पर फोकस करना चाहिए. शार्लेट भी वही करती है. वीकेंड पर वो लोग जाते हैं इसाडोरा के घर जो एक्चुअल में उनकी हवेली है. वहां घूमते वक्त शार्लेट को एक गुलाब का पेड़ बहुत पसंद आता है. टॉम वहां उसकी फोटोज भी निकालता है ढेर सारे. धीरे धीरे उनका रिश्ता रिवाइव करने लगा था. मगर हम उस घर के मेट मिसेस टैनर और ड्राइवर स्टीफन को देखते हैं उनकी तरफ नजर रखते हुए. काफी टेंस्ड दिखाई दे रहे थे वो, गॉड नोस क्यों. उसी रात शार्लेट को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है. ये टॉम के लिए काफी बड़ा सरप्राइज था. वो श्योर नहीं था ये उसका बच्चा है या नहीं, मगर शार्लेट जब उसे यकीन दिलाती है उसके मन से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. घर में सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा था. टॉम अपनी पत्नी का दुगना ख्याल रखने लगा था. लेकिन इस सब के बीच भी शार्लेट को इवान की यादें सता रही थी. वो रात में छुपकर मिसिंग पर्सन सेक्शन में चेक करती है. वहां उसे डैनियल इवान नाम के एक बंदे की रिपोर्ट मिलती है. साथ में उसके बहन रिवेका का कांटेक्ट नंबर भी दिया गया था. शार्लेट वो नंबर सेव कर लेती है और अगले दिन मौका मिलते ही उसे कॉल करती है. यहाँ पर हम नोटिस करते हैं टॉम उसे कहीं भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता. इवन वॉक पे जाते वक्त भी स्टीफन उसके साथ जाता है. ऐसे में रिवेका से मिलने जाना काफी मुश्किल हो रहा था शार्लेट के लिए. फिर भी वो जाती है किसी तरह मैनेज करके.
और वहां उसे पता चलता है रिबेका को उनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इवान के डिसअपीयरेंस के बारे में वो भी इक्वली क्लूलेस है। वो लोग डिसाइड करते हैं अगले दिन उस घर में जाएंगे जहां शार्लेट इवान से मिलने जाती थी, भले ही रिबेका कहती है उसे ऐसे किसी घर के बारे में नहीं पता। उस दिन शार्लेट को घर लौटने में काफी लेट हो जाती है, ऊपर से वो टॉम का फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। इससे टॉम काफी अपसेट हो जाता है। शार्लेट उसे शांत करने के लिए झूठ कहती है कि वो शॉपिंग करने में बिजी थी, मगर टॉम बेवकूफ नहीं है। उसने शार्लेट का फोन ट्रैकिंग पे डाल रखा था सिर्फ और सिर्फ उसके सिक्योरिटी के लिए। रियली? शार्लेट और कुछ नहीं कहती, बस नेक्स्ट डे निकलने से पहले अपना फोन घर में ही छोड़ जाती है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाती। उससे पहले उसका पति लौट आता है, साथ में इसाडोरा भी, और जैसे ही वो उनकी तस्वीर देखती है, वो रोज ट्री वाली, पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। उधर शार्लेट को लेट हो रही थी, रिबेका से मिलने जाना था उसे, तो वो न्यू ड्रेस खरीदने के बहाने घर से निकलती है और झटपट जा पहुंचती है उस घर में जिसे वो इवान का घर समझती थी। इस बार भी दरवाजा वही लेडी खोलती है और वही बातें बताती है, लेकिन इस बार साथ में कुछ अलग भी होता है। शार्लेट को वहां वो बंदा दिखता है जो उसका पीछा कर रहा था महीनों से, वो भी उसी घर में घुसता है। इसका मतलब उनके सवालों का जवाब भी जरूर इसी घर में है। गलती से उस आदमी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, तो शार्लेट और रिबेका अंदर जाते हैं और छुपके से सारे बातचीत सुनने लगते हैं। पता चलता है इस बंदे का नाम ट्रॉय है, मे बी उस लेडी का बॉयफ्रेंड है वो। किसी ने उसे और इवान दोनों को ही हायर किया था शार्लेट को फंसाने के लिए। इवान का काम था उसे सीड्यूस करना और उसका उनकी फोटोज निकालना। ढेर सारे फोटोज है उसके पास जो उसने इसी घर में छुपकर निकाला था। जैसे ही उसे पता चलता है कोई इवान को ढूंढने आया था, वो जल्दी से उन फोटोज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब उसकी हरकतों से वो लेडी समझ जाती है उसने जरूर कुछ गलत किया होगा इस घर में, तो वो बदले में पैसा मांगती है और उसका मुंह बंद करने के लिए ट्रॉय उसे कुछ कीमती चीज देने की बात करती है जो इसी घर के लॉकर में है, मगर चाबी उसने घर में ही छोड़ आया है। तो वो जाता है चाबी लेने, जिसका फायदा लेकर शार्लेट और रिबेका उस लेडी से बात करने जाते हैं। उन्हें वो चीज देखनी थी, मे बी उससे उन्हें इवान के बारे में कुछ क्लू मिल जाए। तो वो लेडी लॉकर को तोड़कर अंदर से एक नेकलेस बाहर निकालती है, जिसे देखकर शार्लेट चौंक जाती है। ये तो इसाडोरा का है, मतलब वो है इस सब के पीछे। इतने में दरवाजे पर कोई नॉक करता है, वो लेडी जाती है देखने और इन दोनों को छुपने के लिए कह जाती है। सबको लगा था ट्रॉय होगा, मगर ये कोई और था जिसने ब्लैक हुडी के पीछे अपना चेहरा छुपा रखा था। वो उस लेडी पर हमला करके उसे मार डालता है और उस नेकलेस को लेकर गायब हो जाता है। शार्लेट और रिबेका के सामने ही कुछ नहीं कर पाते दोनों, बस कुछ देर बाद वहां से भाग निकलते हैं सारे फोटोज के टुकड़ों को उठा के। डर से उनके हाथ पैर कांपने लगे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उन्होंने देखा क्या। शार्लेट की हालत तो और ज्यादा खराब हो रखी थी, उसे घर जाके इसाडोरा से डील जो करना है। फॉर्चुनेटली स्टीफन ने उसके लिए सारे शॉपिंग्स कर लिया था, तो उसे घर जाके झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस रात घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी जहां इसाडोरा भी आती है। उसे देखकर शार्लेट की तबीयत और खराब होने लगती है, लेकिन वो उसे कन्फ्रंट जरूर करती है। उससे पूछती है क्यों वो उस पर नजर रख रही है, क्या चाहती है वो। जवाब में इसाडोरा कुछ नहीं कहती, बल्कि उनका रिएक्शन काफी अजीब रहता है। वो अपने घर चली जाती है, टॉम के कमरे में जाकर अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन तभी टॉम आ जाता है और वो छुप जाती है। हम देखते हैं टॉम अलमारी के सीक्रेट लॉकर से कुछ फोटोज निकालकर देख रहा है। ये उसके माँ के फोटोज थे, कई साल पुराने। इसाडोरा और चुप नहीं बैठती, वो बाहर आती है और अपने बेटे को कन्फ्रंट करती है। यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का पहला राज। पता चलता है टॉम जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, असल में एक साइको है वो, और ये इसाडोरा इसके लाइफ तो सीक्रेट से भरे है। टॉम जब छोटा था उसका एक पीटर नाम के बंदे से अफेयर था, दोनों इसी घर में मिलते थे इसी कमरे में। इसाडोरा अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ टॉम के कारण नहीं गई। उन्हें लगा था टॉम छोटा है, अपने माँ की जरूरत है उसे। उन्हें क्या पता था टॉम को सब कुछ ऑलरेडी पता है। इसी अलमारी में छुपकर उनके प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करता था वो, फोटोज निकालता था। इसाडोरा उससे ज्यादा किसी और से प्यार करे ये उसे सहन नहीं होती थी, तो एक दिन उसने पीटर को जान से मार डाला और जिसे कवर अप करना पड़ा इसाडोरा को। बचपन से टॉम बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, पोसेसिव है, अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी चीज को शेयर करने की आदत ही नहीं है उसकी, वो इंसान ही क्यों ना हो। इसाडोरा को उसकी इन आदतों के बारे में पता था।
तो जब उसने सुना उसने अपने चीटर वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, उसे शक होता है और वो समझ जाती है इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। आज वो वही पता करने आई थी, मगर बदले में टॉम उसे ऐसे घायल कर देता है कि बेचारी को दौड़े पड़ने लगते हैं, वो बच नहीं पाती, अपने ही बेटे के हाथ मरना पड़ता है उसे। ऑन द अदर हैंड रेबेका उन फोटोज को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कोई क्लियर क्लू नहीं मिल रहा था। शार्लेट भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, ना वो टॉम से कुछ कह पा रही थी। एट लास्ट रेबेका हार मान लेती है, उसे डर लगने लगा था कहीं इस चक्कर में उसकी जान ना चली जाए। वो शार्लेट से कहती है उसे और कभी कॉन्टैक्ट ना करने के लिए। ऐसे में शार्लेट को खबर मिलती है इसाडोरा की मौत हो चुकी है और उसने अपना सारा सेविंग्स पूरे $3 मिलियन उसके नाम कर दिया है। ये शार्लेट के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, साथ में टॉम के लिए भी। वो तो सबके सामने चिल्लाने लगता है, गुस्से में काबू नहीं रख पाता, अपने प्रेग्नेंट बीवी पर हाथ तक उठाता है। एज यूजुअल उसे लग रहा था शार्लेट ने जरूर इसाडोरा को मैनिपुलेट किया होगा, धोखा हुआ है उसके साथ। उधर शार्लेट समझ नहीं पाती इसाडोरा अगर उस पर शक करती थी इसका मतलब वो उसे ना पसंद करती थी, तो वो इतना सारा पैसा क्यों छोड़ गई उसके नाम। वो डिसाइड करती है जो हुआ सो हो गया, फालतू में और इस सब के बारे में नहीं सोचेगी वो। टॉम भी माफी मांग लेता है उससे और प्रॉमिस करता है आगे से वो एक परफेक्ट हस्बैंड बनकर दिखाएगा। शार्लेट फिर से एक बार उसे मौका देती है, खुद को समझाती है इस बार सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर होता नहीं। उल्टा गिफ्ट के नाम पे टॉम उसे एक बहुत ही बड़ा झटका देता है। पता चलता है टॉम ने उसे वही नेकलेस गिफ्ट किया है जो उस लेडी के खूनी ने उठाया था। ये टॉम के पास कहां से आया? इसका मतलब टॉम ही वो खूनी है, इस सब के पीछे वो है। शार्लेट को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन वो घर से भागते नहीं, उसे सबूत जो चाहिए थे और इवान को भी तो ढूंढना था। तो वो खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है और विक ने इसका बहाना देकर टॉम को भेजती है दुकान में दवाई लाने। जैसे ही वो निकलता है शार्लेट सबसे पहले स्टीफन को कॉल करके बुलाती है और फिर रेबेका को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म करती है। वो जो करने जा रही थी वो काफी रिस्की था, रेबेका उसे वार्न करती है लेकिन वो नहीं रुकती, बस इस घर का एड्रेस देकर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है कुछ देर बाद, तब तक शायद उसे वो मिल जाएगा जो वो ढूंढ रही है। इसके बाद वो जाती है टॉम के ऑफिस में जहां उसके लैपटॉप में शार्लेट को वो फोटोज मिलते हैं जो इवान के फोन में था। इससे उसे याद आता है टॉम का भी फोटोज क्लिक करने की आदत है और इस घर में बस एक ही जगह है जहां उसके अलावा और किसी का जाना मना है, द डार्क रूम। टॉम बहुत ही पोसेसिव है उसे लेकर, तो सबूत भी जरूर वही होंगे। शार्लेट और देर नहीं करती, अलमारी से चाबी निकाल के उस कमरे में जा पहुंचती है और उसे जो दिखता है वैसा कुछ उसने सपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कमरा उसके ही फोटोज से भरे पड़े थे, उसके नेकेड फोटोज, इवान के साथ गंदे गंदे फोटोज और कुछ ऐसा जिन्हें उसके सोते वक्त निकाला गया था। ये टॉम के मेंटल इम्बैलेंस के सबूत थे, कुछ उसने खुद क्लिक किया होगा और कुछ उस ड्रॉय ने। शार्लेट को वहां अपने कॉलेज टाइम के फोटोज में मिलते हैं, मतलब टॉम उसे तब से फॉलो कर रहा है। जब वो इन सारी चीजों का एनालाइज करने की कोशिश ही कर रही थी तभी टॉम आ जाता है और शार्लेट को पता चलता है दूसरे राज के बारे में। इवान को टॉम ने ही हार किया था शार्लेट को सिड्यूस करने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए, जिसमें वो फेल हो गई। वो कब उससे मिलती थी, कहां जाती थी, उसे सब पता था मगर उसने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन धीरे धीरे बात हद से निकलने लगी थी, शार्लेट और इवान एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। इवान तो एक रात उसके घर तक आ गया उसे ये बताने कि वो शार्लेट को अपने साथ ले जा रहा है, उसे और कोई पैसा नहीं चाहिए, वो शार्लेट को सब कुछ बता देगा। टॉम से और सह नहीं हुआ, उसका प्लान उसी पर भारी पड़ रहा था, तो उसने इवान का खून कर दिया इसी कमरे में। शार्लेट को वो हर्ट करना नहीं चाहता लेकिन अपने पास कैद रखना जरूर चाहता है। उसके दिल में प्यार हो या ना हो शार्लेट को उसके साथ ही रहना होगा, उसने उसे माफ कर दिया, क्या इतना ही काफी नहीं है? लेकिन शार्लेट उसका प्लान समझ चुकी थी तो वो भागने की कोशिश करती है, बदले में टॉम उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर जिंदा दफनाने की कोशिश करता है उसी व्हाइट रोज के नीचे। शार्लेट अगर उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी और वैसे भी उसे कुछ ज्यादा ही पता चल चुका है, उस लेडी का खून होते हुए भी तो देख लिया था उसने। शार्लेट का सेंस लौटते ही उसे अपने पास एक स्केलेटन दिखता है, काफी पुराना, मतलब इस पागल टॉम ने इससे पहले भी किसी का खून किया था। मगर इस बार वो सक्सेसफुल नहीं होता, शार्लेट उस कंकाल के खोपड़ी से मारकर उसे बेहोश कर देती है और टॉम गिर जाता है उसी गड्ढे में। तब तक स्टीफन और पुलिस दोनों ही आ चुके थे तो शार्लेट उन्हीं की तरफ जाने लगती है।
उसे क्या पता था टॉम जाग चुका है और फिर से एक बार उसी पर हमला करने आगे बढ़ रहा है। इस बार स्टीफन उसे बचाता है, शूट कर देता है अपने मालिक को पुलिस के सामने ही। नहीं, उसे जेल नहीं होती, शार्लेट उसे सपोर्ट जो करती है। देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और शार्लेट एक हैंडसम बेबी बॉय को जन्म देती है। अभी वो ही इस एस्टेट की मालकिन है, उसे सब कुछ संभालना पड़ता है। एक दिन इसाडोरा के पेपर्स देखते वक्त उसे पता चलता है घर के केयरटेकर मिसेस टैनर को हर महीना $1,000 करके दिया जाता है। अभी भी उसे जानना था क्यों। उसने कई बार नोटिस किया था टॉम और मिसेस टैनर के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती, हमेशा एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी। शार्लेट को इस सब का जवाब चाहिए था तो वो उसके घर जा पहुंचती है और वहां उसे पता चलता है मिसेस टैनर असल में टॉम के गुनाहों के विटनेस है। उसने 2 बार उसके क्राइम्स को छुपाने में मदद की है। बदले में इसाडोरा उसे पैसे देती थी उसका मुंह बंद रखने के लिए। रोस्ट्री के नीचे वो लाश पीटर की थी, शायद इसीलिए इसाडोरा उस जगह को देखकर इमोशनल हो गई थी। टॉम ने इवान के लाश को ठिकाना लगाने की जिम्मेदारी भी मिसेस टैनर और स्टीफन को ही दिया था। झूठ मूठ की कहानी देकर इवान को चोर कहकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश किया था, जो ऑब्वियसली मिसेस टैनर ने बिलीव नहीं किया। इतने सालों के एक्सपीरियंस से वो टॉम को पहचान चुकी थी। तो जब उन्होंने देखा इवान जिंदा है, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सीक्रेटली अपने घर में उसकी ट्रीटमेंट करते रहे, उन्हीं के पैसों से उसकी देखभाल की, जिसके वजह से आज वो काफी हद तक रिकवर कर चुका है। शार्लेट के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। अंध भला तो सब भला। एट लास्ट वो इवान के साथ वो जिंदगी बिता पाएगी जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ भुगतना पड़ा, इतना तो वो डिजर्व करती है ना। दूसरी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली मुझे ये फिल्म कुछ खास नहीं लगी, बहुत सारे प्लॉट होल्स है और कुछ रीजनिंग तो फोर्सफुली किया गया है। ओवरऑल इट्स एन एवरेज मूवी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।